उधर किसी लड़के से तुम्हारी बहसबाजी हो गई, पता चला है कि वो काम करने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मुझे मेरे ट्रेड का काम दिलाओ। हाँ सर, वो एक लड़का है, परसों आया था, बोल रहा है कि मैं ये सीमेंट वीमेंट ढोलने का काम नहीं करूंगा, मुझे प्लम्बर का काम चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ प्लम्बर का काम तो है नहीं, आए हो तो यही सीमेंट ढोलना पड़ेगा। कल बहसबाजी कर लिया, बोलता है एग्जिट लगवा दो मेरा, मेरी कंपनी में बोल दो मैं ये काम नहीं करूंगा, एग्जिट भेज दे मुझे। अच्छा हाँ सर, फिर क्या हुआ, उसकी कंपनी में बात हो गई? हाँ सर, मैंने डायरेक्ट उनकी कंपनी को फोन करके बोल दिया है कि ये बंदा हमें नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, एग्जिट भेजो या अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए ट्रेड वाला बंदा, हमें तो भैया सीमेंट की बोरी उठाने वाला चाहिए। उस लड़के को बोल दिया है कि ऑफिस में आ जाए, अपना अकामा ले और यहाँ से निकले जाए अपनी कंपनी में वापस, नहीं चाहिए ऐसे लड़के। हाँ, जब हमारे पास प्लम्बर का काम नहीं है तो कहाँ से देंगे, जाए जहाँ से आया है, हमें क्या करना है। लाओ अकामा दो मेरा। देखिए सर, यही लड़का है बोल रहा है काम नहीं करूंगा। हेलो हेलो मिस्टर, क्या है? अरे भाई, क्यों एग्जिट जाने पे तिले हुए हो? आजकल पता है सऊदी में काम वाम की बहुत किल्लत चल रही है, जो मिल रहा है वही कर लो, कमाते रहो धीरे से चुपचाप, समझ गए? प्लम्बर का काम करेंगे, ट्रेड का काम करेंगे, इन चक्करों मत पड़ो, बहुत मारा मारी चल रही है काम की। अब तो मैं नहीं रुकने वाला, मैं जाऊंगा घर, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ट्रेड का काम मिल गया ना, प्लम्बर का मिल गया, तब भी नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा इंडिया। क्यों सर? मेरा कफील जो है ना, वो अपने पास तो रखता नहीं है, वीजा दे दिया, बुला लिया, उसके बाद कभी यहाँ ट्रांसफर, कभी वहाँ ट्रांसफर, कभी यहाँ सप्लाई, कभी वहाँ रेंट पे, दिमाग खा गया है, टाइम पे पैसा देता नहीं है, और काम जो है दूसरी कंपनी वाले दबा के लेते हैं, कभी मिट्टी ढुलवाते हैं, कभी सीमेंट ढुलवाते हैं, कभी फावड़ा चलवाते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरा अकामा दिलवाइए। अरे थोड़ा बर्दाश्त कर लो भाई, पैसे लगा के आए होगे ना, बर्बाद हो जाएगा, अगर एग्जिट लगा दिया तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, कर लो दो चार छः महीने कर लो, पैसे निकाल लो, उसके बाद चले जाना। पैसा निकालने के चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करेंगे, निकल गया पैसा। आप ही डायलॉग मार रहे थे ना कि कंपनी में बोल दूंगा एग्जिट लगा देगी, लगवाइए, लाइए मेरा अकामा दीजिए, मैं जा रहा हूँ कंपनी में वापस। अरे छोटू भाई, इसका अकामा दे देना। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी सर जी, भेज दीजिए इधर, मैं दे दे रहा हूँ अकामा। जाओ भाई, ले लो अपना अकामा, जाओ इंडिया जाओ, दुबई जाओ, कतर जाओ, कुवैत जाओ, जहां मर्जी जाओ, जाओ निकलो। इनकी कान कटो, एग्जिट की धमकी देते, इनको तंग आ गए, एक पल सुकून नहीं कर, तेरी कान कटो, इसी कंपनी की ऐसी तैसी। अब जब ठान ही लिया है तो नहीं रुकेगा ये बंदा, जाएगा जाएगा एग्जिट। पांच छह लड़के रियाद से आने वाले थे नए नए रेंट पे, क्या हुआ उनका? आ गए सब, आ गए, उनका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ले लिया है, अभी डिसाइड करना है कहाँ लगाना है, सोच रहा हूँ सीमेंट फैक्ट्री में ही लगा दूं क्या? सोचने की जरूरत नहीं है, उसी में लगा दो, सीमेंट ढुलवाओ उन लोगों से, रेंट पे जितने बंदे आ रहे हैं ना, किसी को भी ट्रेड का काम मत दो, सिर्फ लेबर गिरी कराओ उनसे। ओके ओके सर ओके, लगा दे रहे हैं सीमेंट ढूलने पे, पांच पांच हजार रियाल उनके कफील उनकी कंपनियां ले रही हैं हमसे, तो भाई काम भी तो उसी लायक देंगे ना, हल्का फुल्का काम थोड़ी देंगे रेंट वालों को। ये बात तो है सर, ये बात तो है। अरे भैवा रे भैवा, अबे रूम तो बड़ा तगड़ा मिला, अबे बस काम बढ़िया मिल जाता ना, सेट हो जाते, बड़ा अच्छा लगा था, मजाक नहीं करे मटलुआ, अच्छा नहीं लगता का? अबे ओसे दुगुना अच्छा है रूम, वहाँ रियाद में रहे ना, ऐसा करूंगा रहा, एक तो कच्चा रहा, ऊपर से ऐसा बैठ नहीं रहा, अबे एकदम से कसम से ना हाँचे देना से गदावा नीचे चला जाते, इतना बढ़िया है। अबे तोरे रूमवा की पड़ी है? रूमवा तो अच्छा है, सबके दिखाता, नहीं नहीं एसीओ लगी है, पर्दा वर्दा कुल लगा, मोटा मोटा गद्दा, लेकिन रूमवा से नहीं खा ना मतलब, कमावा की टेंशन है। अबे टेंशन मतलब, अच्छा काम मिली अबे, वह झाड़ू पोछा और का, हमान जब झाड़ू पोछा में आ गए तो टेंशन कौन बात की, झाड़ू पोछा करा जी, कौन दिक्कत नहीं कर, मामा झाड़ू पोछा में नहीं खाए तो झाड़ू पोछा में आया, मैं तो जिम ट्रेनर में आया रे बाबू, तुम और हो मुझे उसा दोनों झाड़ू पोछा वाले हैं, नंगुआ इलेक्ट्रीशियन है, मौका मत किन्ना कर अपने साथ मुझे उसा, ए तो कौन टेंशन में है रे बाबू। अरे ये टेंशन है भैया कमावा की, पता नहीं कौन काम मिली है, बड़ी उलझन होती बे, मुदीर कौन हो? अपने वर्ग के मिल जाते हैं, जैसा हुआ रियाद में मुदीर वा एकदम फ्रेंडली, तब तो कौनो दिक्कत नहीं रहती, कौनो काम रहता चल जाता, लेकिन अगर मुदीर खड़ूस मिल गए तब तो गड़बड़ है भैया, बड़ी टेंशन होती वही वजह से। अबे अच्छा सोचो कुल, अच्छा सोचिए ना तो अच्छा होइए, खराब सोचिए कुल तो खराब होइए, तुरंत इतना लोड लेके बैठ गए, पता नहीं का होइए, पता नहीं का होइए, पता नहीं का होइए, अबे अगर खराब हो मुदीर मिल जाइए तो आदमी खाए वाला नहीं मिली, हम ये खा थोड़ा जाइए, अबे पीट पाट दिया जी अगर ढेर उल्टा सीधा बोलिए तो कहाँ टेंशन नहीं आते। अबे खुज लिया तोरी ढेर बोली निकलती, रेंट का मतलब हो जाना थे का बाबा, हमारे यहाँ रेंट पाए रे बाबू। अबे कहाँ एकदम से जाहिला समझेगा, मैं रेंट का मतलब नहीं जानता हूँ, समझा तो रे बाबू समझा तो, रेंट पाए तो का बाबा, खा जी कुल मुका खा जी। हाँ
अबे नहीं खाए पिए वाली बात नहीं का, कह का मतलब ये कि रेंट पर जाऊ उन्हें के पास काम हुई है ना तू ना करे कुल ये नहीं कि मैं फलाने काम में आया तो मैं फलाना काम कर रहा हूँ। रेंट का मतलब ही वो ना कि जाऊ उन काम की जरूरत है तो उन्हें गुजर दिए कुल की कान काटो मौका धमकी देते कुल एग्जिट भेजा की भेजा कुल तारी कान काटो अब तो नहीं रुकाऊ मैं चाहे कुछ हो जाए। नंगुआ ये कौन है अपन पांच आठ आए रहे वहां से भैयान कहू ना पहले से अब मैं कहा जानू अबे अबे ये तो फरमनवा में कहा कौन है अटल हुआ कि मटल हुआ अबे फरमनवा तो ही है अबे मां मटल हुआ अबे मटल हुआ तो यहाँ कैसे अरे फरमान अरे ओ का छोड़ तो यहाँ कैसे तने हेयर देख बे अरे बाप रे बाप नंगुआ मुंह झौंसा अरे खुजलिया पूरी पूरी टीम आई है अरे भावा तू आन कैसे बे अबे फरमान हम आन के तो छोड़ तो यहाँ कैसे बे इतना दिन से लापता रहे खोजात रहे तो सऊदी में पड़े है अबे हाँ भावा गए सऊदी आज से 6 महीना पहले आए रहे तब बस एकदम से परेशान है अबे तो कहाँ इतना दिन से बिलाने रहे समझ में नहीं आई भैया कब सऊदी चले आए हाँ एक बार न फोन न मुलाकात कुछ नहीं अबे अचानक से चले आए रहे गए रहे दिल्ली ना अपने अरमान के लग हाँ वहाँ से वीजा मिल गया मेरे अब्बा कहते बहुत अच्छी कंपनी है एजेंट बहुत बढ़िया आदमी है चले जो बस मैं चले आए गाँव में वापसों नहीं गए अब फिर फोन नहीं करे कौनों के आके यहाँ फंस गए ऐसा अरे बाप रे बाप नानी याद आवती अबे वो सब छोड़ो कुल बड़ी लंबी कहानी है तू कोई बताओ बोल तू नानी यहाँ कैसे अरे भैया हमारा आए रे याद में बड़ा अच्छा खासा काम चला था अचानक से ट्रांसफर हो गई यहाँ कुछ समझ में नहीं होती अक्की हैरान हो गई अच्छा खासा काम चला था अचानक से ट्रांसफर कर दिए अक्की हैरानी है मन की कफिल राखा हाँ रेंट पर नहीं खम दे दिए कहे कहे रेंट पर दिए सर अरे बाप रे बाप तू नानो का रेंट पर दे दिए भवा बवाल अरे बाबू बड़ी बुरी हालत है यार जाना तो काम मिली है कहाँ मिली है सीमेंट ढोआ का काम है बाबू बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है कंपनी के पास जितने रेंट पर आवत वही में घुसेड़ा तेनकुल मुड़ी पर लाद लाद कर ना सीमेंट की बोरिया ढोआ के मोहक लगावत रहे मैं झगड़ा वगड़ा कर लिया मैं जाता हूँ अपनी कंपनी में वापस एग्जिट लगवाई हूँ घर। अबे नहीं फरमान ऐसा मत कर अबे मुझे उसे मैं गलत तो बताई हूँ नहीं मैं खुदा वही फंसे हैं 4 दिन बाबा यहाँ आए अब मैं जाता हूँ वापस अपनी कंपनी में अकामा ले लिया कहीं है एग्जिट लगा दे मोरे बस की नहीं खा अबे हर 2 महीनों बाद ना दूसरी कंपनी में तीसरा काम चौथा काम पांचवा काम एकदम पक गए अबे जुटैया में सऊदी उदी आ गए अब मैं जाता हूँ घर रुकाऊ ना ही अच्छा चलो खुश मैं जाता हूँ अपनी कंपनी में वापस क्रूज लगवा ठीक है घर आइयो कुल तो मुलाकात हुई है। अबे फरमान इतना दिन बाद मुलाकात भाई वो इतना उलझन में एकदम जाए जाए पड़ी है तोरे तनिक बैठते अबे नहीं मुझे था 12वां गाड़ी खड़ी है मेरे एकदम ना समझ जा कि एकदम इतनी उलझन होती मैं यार रुक नहीं पाई हूँ अब मेरे बहुत टेंशन है अब मैं सीधे खुरुज लगवाई हूँ इंडिया जाई हूँ। अरे भैया मोरे बस की नहीं कहा तीन पाँच एक काम पर रखता ना चाहे कुछ करा लेता तब तो कोई दिक्कत नहीं रही अबे हरदम दूसरी कंपनी में भेजा था हरदम दूसरी कंपनी एक तो तनखैया नहीं देता टाइम यहाँ पर भावा कुल नंबर बताओ अपना नंबर बताओ कौन 055-797-18-0 055-797-180 हाँ ठीक है फोन कराऊ मैं 12वां गाड़ी खड़ी है अब चला जाइए ना तो फिर गाड़ियों नहीं मिली है यहाँ से बहुत दिक्कत से गाड़ी बैठानी है। मुझे उसा ईगुल का होता रे भैया फरमानवा सऊदी में रहा इतना बुरा फंसा रहा ओहो आमानो लगा तो फंस ही गए। अरे भैया सीमेंट में ढो के भैया ना तो मैं इंडिया चले जाऊ रे मैं नहीं कराऊ सही बताओ तो अरे अगर अपना काम नहीं मिला झाड़ू पोछा वाला सीधे घर रुकाऊ कौन नहीं अरे बाप रे बाप का हो गया अचानक से अच्छा खासा याद में फोरमैन बने रहे मैं इतनी पैठ बन गई रही जौन मन करत रहा करावत रहा करत रहा अचानक से कैसे ट्रांसफर कर दिए यार कुल मदीरी चली गई भीतर। यही तुम लोगों का रूम रहेगा ठीक है अभी एक बंदा बैग ले गया है ना जी 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 वो अकेला इसमें रह रहा था अभी वो भी निकल गया तुम 5-6 लोग आराम से इसमें रहो चाबी तुमको दे देंगे शाम को अपना आओ जाओ ड्यूटी करो आराम से पड़े रहो। कैम्बोस का हुआ अकामा दे दिए कुछ पता चला क्या काम करना रहेगा ठीक है फिर हाँ चलते हैं शाम को चाबी ले लीजिएगा और हाँ सुनिए जितने लोग रूम में रहेंगे किसी को छुट्टी नहीं मारनी है अगर छुट्टी मारते हुए पकड़ा गया तो सीधा 5 दिन काटा जाता है 1 दिन का ओके ये आपकी अपनी कंपनी नहीं है यहाँ आप रेंट पे हैं 1 घंटा छुट्टी मारेंगे 5 घंटा काटा जाएगा 1 दिन छुट्टी मारेंगे 5 दिन काटा जाएगा।
खाना वाना अपना बनाना पड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी रहेगी, उसके बाद आइए खाना बनाइए, कंपनी जो है सिलेंडर दे देगी, बाकी सब अपना इंतजाम करना पड़ेगा आपको। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बुला के पूछ लीजिएगा, मैं इधर का कैम बॉस हूँ। हेलो कैम बॉस सर, क्या हुआ, कौन सा काम मिलेगा? नंगू फंस गए हम लोग, बहुत बुरा फंस गए। मैं उधर कैम बॉस था, इधर मुझे भी लेबर बना के भेज दिया, जो तुम लोग करोगे वही मुझे भी करना है। करना क्या है सर, कौन सा काम करना है? सीमेंट की फैक्ट्री है, बोरा तैयार होके निकलता है, कंधे पे ला दो, सर पे ला दो, ले जाओ गाड़ी में लोड करो, यही काम है यहाँ पे, और दूसरा कोई काम नहीं है भाई, साफ साफ बता रहा हूँ, मुझे भी वही करना पड़ेगा, तुम लोग भी वही करोगे। कफील लाइन से एग्रीमेंट किया है 4500 रियाल पर मंथ हर आदमी का, और हमें देगा उतना ही जितना हमें मिल रहा था पहले से। और हाँ हिलडुल पापड़ी, पता है एग्रीमेंट में है कि अगर हम लोग एक दिन छुट्टी मारते हैं और कफील तक बात पहुंच जाती है तो वो 5 दिन काट के देगा। यहाँ से तो 1 दिन का कट के जाएगा, लेकिन कफील जो है वहाँ से 5 दिन का काट के देगा हम लोगों का। एग्रीमेंट कर लिया उसने? हाँ, वहाँ 8-9 घंटे ड्यूटी थी ना, यहाँ डायरेक्ट 12 घंटे, ऊपर से खाना भी खुद ही बनाना है, यहाँ मेस वाला सिस्टम नहीं है। अरे बाप रे बाप, कमा चुके हम, कमा चुके, लगा था आखिरी चला था सऊदी में। पता नहीं क्या हो गया अचानक कफील को, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया, रेंट पे दे दिया, ड्यूटी भी बढ़ गई, 1 दिन का 5 दिन काटेगा भी, क्या तमाशा लगा रखा है यार, आदमी को आदमी नहीं समझते हैं ये लोग। ऐसा कुछ रही है तो खुजलिया सीधे इंडिया में कदम रखिए, यहाँ बोरिया नहीं ढोइए, वो 1 दिन का 5 दिन कटवा हुआ खाती है। अब टेंशन मत लो बिल्कुल, अगर ऐसा 3-5 रही है ना, सीधे एग्जिट, चल चला जाइए घर, अब तो अमन रिटर्न हो जावा जाइए पे, दूसरी जगह लगावा जाइए। टेंशन मत लो बटेलू, जितना लगा के आ रहे उतना तो निकाल ही लिए अमन, और उसे बेसी निकाल लिए, इतना पैसा तो हो ही गवा कि दूसरा वीजा ले सका जा, टेंशन मत ले, फिर कहीं लगावा जाइए।